अब यहाँ पे देखिए, हमारी यहाँ पे जो अगली हमारी यहाँ पे पोस्ट आई हुई वो आई हुई है UDC के अंदर। ठीक है जनाब, UDC के अंदर, इसके अंदर भी जो है ना मेल और फीमेल बहुत इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिटीज़ की बात करूँ तो जनाब पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं, मेरिट वाले अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद बलूचिस्तान वाले भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जनाब क्वालिफिकेशन लेवल और एज लिमिट की अगर बात करें तो इसके अंदर जनाब जो है ना इंटरमीडिएट वाले जो है ना मिनिमम इसके अंदर इंटरमीडिएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि 18 साल से स्टार्टिंग और मैक्सिमम जो है ना 30 साल तक एज लिमिट वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी देखें जनाब आई हुई है नर्सिंग असिस्टेंट के अंदर। ठीक है, नहीं LDC के अंदर जनाब, सॉरी LDC के अंदर, इसके अंदर भी जो है ना हमें वो ये क्या है मेल और फीमेल्स बहुत मर्द और खवातीन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर भी जनाब वही कि आप लोग देखें तो पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं, सिंध वाले अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद सिंध दही वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और बलोचिस्तान और मेरिट वाले भी जनाब इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हमारी वही आ जाती है बात क्वालिफिकेशन लेवल की, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसके अंदर जनाब मिनिमम जो है ना मैट्रिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जनाब मैट्रिक वाले भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जनाब एज लिमिट वही आप लोगों को बताया कि 18 से 30 साल जो है ना सारी जो है ना जितनी पोस्ट हैं सबके अंदर यही है। बाकी उसके बाद नाजाम नेक्स्ट हमारी देखें तो आई हुई नर्सिंग असिस्टेंट की, इसके अंदर भी मर्द और खवातीन दोनों अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद सीटीज़ की बात करूँ तो खैबर पख्तूनख्वा और मेरिट वाले सिर्फ दो सीटीज़ वाले इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जनाब क्वालिफिकेशन लेवल वाले जो है ना इसके अंदर भी जो है ना मैट्रिक वाले यानी कि जिनने साइंस के अंदर मैट्रिक किया है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जनाब नेक्स्ट हमारी देखें हमारी आई हुई है MT ड्राइवर के अंदर। ठीक है जनाब, MT ड्राइवर के अंदर यहाँ पे हमारी आई हुई है, इसके अंदर जो है ना कराची वाले अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद मुल्तान वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोयटा वाले अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद जनाब पेशावर वाले भी जनाब इसके अंदर पोस्ट के अंदर जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जनाब ए क्वालिफिकेशन लेवल देखें तो यहाँ पे प्राइमरी पास वाले भी जो है ना इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक और आप लोगों को नेक्स्ट पर बताने से बाद पहले जो है ना एक और बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ जितनी भी सारी पोस्टें बता रहा हूँ कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनके अंदर मैं कराची और ऐसी जो सिटीज़ हैं लाहौर मुल्तान का उसमें नाम आ रहा है लेकिन नहीं आ रहा, तो मैं आप लोगों को आगे चल के जो वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कराची और लाहौर वाले इसके अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाजमी से पूरा वॉच कर देते हो, मैं आप लोगों को सब पॉइंट टू पॉइंट गाइड करूँगा, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है जनाब, यहाँ पे हमारी नेक्स्ट देखें तो हमारी आई हुई है ऑटो इलेक्ट्रीशियन की। ठीक है जनाब, ये सिर्फ हमारी एक ही सिटी से आई हुई, ग्वादर से दो आई पोस्टें इसके अंदर आई हुई हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन लेवल की बात करूँ तो मैट्रिक पास वाले इसके अंदर भी जनाब अप्लाई कर सकते हैं, और एज लिमिट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 18 साल से लेकर 30 साल तक हर पोस्ट के अंदर जो है ना एज लिमिट वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी देखते हैं आई हुई इलेक्ट्रीशियन की। ठीक है जनाब, इसके अंदर जो है ना ये भी एक ही सिटी से आई हुई, इस्लामाबाद से। ठीक है जनाब, इस्लामाबाद वाले इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन लेवल की बात करूँ तो मिनिमम जो है ना मैट्रिक वाले इस पोस्ट के अंदर भी जो है ना जनाब अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जनाब नेक्स्ट हमारी देखें तो आई वी व्हीकल मैकेनिक की, यह भी सिर्फ एक सिटी से हमारी आई वी है कि सिर्फ इस्लामाबाद वाले ही इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर भी जनाब आप लोग देख लें कि जितनी भी सारी पोस्ट आई हुई यार कितना अच्छा अच्छा इन लोगों ने क्वालिफिकेशन और बताया, जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया यार मैट्रिक वालों के लिए मिडिल वालों के लिए भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यार देखो ये भी पोस्ट जो आई हुई है यह भी इसके अंदर भी देखें मैट्रिक पास वाले आराम से इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे देखें जनाब आई हुई डेंटर पेंटर की, इसके अंदर जो है ना सिर्फ मर्द हाजरात अप्लाई कर सकते हैं, ये तो मैं बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, अब खवातीन तो पेंट वगैरह नहीं करेंगी। बाकी जनाब ये भी हमारी जो है ना एक ही सिटी से आई हुई सिर्फ इस्लामाबाद वाले इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी क्वालिफिकेशन लेवल की बात करूँ तो मैट्रिक वाले जो और इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और एज लिमिट की बात करूँ तो वही 18 साल से लेकर 30 साल तक मैक्सिमम एज लिमिट वाले आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी देखें जनाब हमारी आई हुई नायब कासिद की, इसके अंदर भी सिर्फ जो है ना मर्द हजरात ही हमारे सिर्फ मेल्स ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जनाब खोलो उस सिटीज़ की बात करूँ तो हेड क्वार्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं, एकेडमी कराची वाले अप्लाई कर सकते हैं, पेशावर वाले अप्लाई कर सकते हैं, और कोयटा वाले इसके पोस्ट के अंदर जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जनाब क्वालिफिकेशन लेवल की बात करूँ तो इसके जनाब प्राइमरी वाले भी प्राइमरी पास वाले भी जनाब इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और एज लिमिट वही है कि 18 साल से लेकर 30 साल तक मैक्सिमम एज लिमिट वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जनाब हमारी आई हुई बावर्ची की, इसके अंदर जो है ना मेल्स और फीमेल्स बहुत अप्लाई कर सकते हैं, मर्द और खवातीन। ठीक है जनाब, उसके बाद सिटीज़ आप लोग देख रहे हैं तो इस्लामाबाद से आई हुई है, ग्वादर से आई हुई है, सखर से आई हुई है, बन्नो से आई हुई है,
उसके बाद चित्राल से आई हुई है, मंगेला से आई हुई है, मियांवाली से आई हुई है, पस्ती से आई हुई है, भजूर से आई हुई है, कराची से आई हुई है और कोयटा से आई हुई है। ठीक है जनाब, अब यहाँ पे आप लोग क्वालिफिकेशन लेवल की बात करूँ तो जनाब इसके अंदर भी जो है ना प्राइमरी पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे लोगों ने एक चीज़ और चीज़ नोट डाउन करवाई हुई है, जिसे पाकिस्तानी खाना बनाना आता हो, क्योंकि बावर्ची की यहाँ पर हमारी पोस्ट आई हुई है। एज लिमिट की वही है, तो 18 साल से लेकर 30 साल तक मैक्सिमम वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी देखें जनाब आई हुई है हमारी खा ग्रुप की। ठीक है जनाब, यहाँ पे हमारे देखें जो मर्द और ख्वातीन दोनों इसके अंदर बहुत अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिटीज़ की बात करूँ तो अकेडमी वाले कराची वाले और पेशावर वाले, अकेडमी कराची और पेशावर वाले जो है ना इसके अंदर पोस्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन लेवल की बात करूँ तो प्राइमरी पास वाले इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट वही आप लोगों को पता है कि मिनिमम 18 साल से लेकर मैक्सिमम 30 साल तक एज लिमिट वाले इसके अंदर अभी अप्लाई आसानी से कर सकते हैं। तो ये जनाब हमारी आई हुई सारी जो है ना पोस्ट हैं, जितने भी मैं बताई ये सारी हमारी काफ़ी अच्छी पोस्टों के ऊपर पोस्ट आई होंगी। वैसे मैं आप लोगों को सुन के पता लग तो गया होगा, मुझे बार बार याद दहानी नहीं करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर अब आप लोग देखें कि वीडियो की स्क्रीन पर जो है ना आप लोगों को इन लोगों के जो है ना अप्लाई करने के फॉर्म वगैरह, इन लोगों के नोट्स वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह आप लोगों को देखें वीडियो के स्क्रीन पर, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और अब मैं आप लोगों को मेन पॉइंट बताता हूँ कि आप लोगों ने इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है, वो भी घर बैठे। और एक और मेन बात जो आप लोगों से यहाँ पे मैंने बताई कि जो है ना कराची वाले, और आप लोग देखें वीडियो के स्क्रीन पर जो है यहाँ पर देखें इन लोगों ने बताया कि इब्तदाई फिजिकल और मेडिकल टेस्ट मदरजा जो है यहाँ पे आप लोग देखें अप्लाई इसके अंदर कर सकते हैं। यहाँ पे अब आप लोग सिटीज देख रहे हैं कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, पेशावर, यानी कि जितनी ऑल टूल हमारी जो पाकिस्तान की बड़ी सिटीज है ना वो यहाँ पे लोगों ने मेंशन की हुई है। वहाँ पे इन लोगों ने कुछ कुछ सिटीज मेंशन की हुई है, यानी कि जिन सिटीज से पूछा गया हमारी जो, लेकिन यहाँ पे जो है ना इन लोगों ने बड़ी सिटीज मेंशन की हुई है कि इन सिटीज वाले भी उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग हमारा देखें, यहाँ पे पॉइंट आता है कि यहाँ सबसे पहले आप लोग देखें इन सिटीज वाले अप्लाई करने के लिए पहले जो है आप लोगों के पास ये चीजें होना लाजमी है, तब भी आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए देखें यहाँ पे आप लोगों के पास जो है ना वीडियो को लाइक करने के लिए पहले इसके जरा रहे हो कि ये चीजें हम भाई उम्मीदवार कद आप लोगों का 5 से 6 जो है ना 32 से 34 होनी चाहिए। उसके बाद वजन यहाँ पे मेंशन किया है, कद मेंशन किया है, तो ये आप लोगों ने पढ़ लेना है। जो जिन जिनके पास हो तो सही है, बाकी जिनके पास ऐसी अगर पॉसिबिलिटी नहीं भी है तब भी वो अप्लाई करें। ऐसा नहीं है कि उनकी जॉब नहीं होगी, कोई पता नहीं है किसमत का कब बदल जाए तो आप लोग पीछे मार हट जाएगा। आप लोग अप्लाई किया करो, वो आगे अल्लाह की मर्जी होती है, वो हो या ना हो आप लोग हिम्मत ना हारा करो, आप लोग अप्लाई किया करो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लें किया करो कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। उसके लिए देखें आप लोगों को जो है ना यहाँ पे वीडियो के स्क्रीन पर इन लोगों की मेल की ऑफिशियल वेबसाइट का आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है आएंगे ना यहाँ पे आप लोगों को जो है इन लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट का जो है आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप लोगों ने करना क्या होगा, जो आप लोगों ने आप लोगों का एक फॉर्म होगा, आप लोगों ने वो फिल करना होगा, जिसके अंदर जो है बस जंप सी चीजें होंगी। वहाँ पे आप लोगों ने करना क्या होगा, जो आप लोग उसके बाद नेम, फादर नेम, उसके बाद आप लोगों ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों ने बोले हुई पॉसिबिलिटीज कद वगैरह छाते वगैरह अगर ये भी इन लोगों ने चीज़ें लिखी होंगी तो आप लोगों ने वहाँ पे टिक करना है और आप लोगों ने बस अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। तो मैंने आप लोगों को जैसे वीडियो के स्टार्ट में बताया रहा कि आप लोगों को याद हो कि जल्द से जल्द है ना आप लोगों को अप्रूवल मिलेगा और जो आपका फॉर्म है वो सबमिट होगा, क्योंकि अभी नई नई जो है ना सारी पोस्टें आई हुई हैं। तो आप लोग फॉरन से इसके अंदर अप्लाई करोगे तो इंशाल्लाह से मैं उम्मीद से आप लोगों को दावा कर सकता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द है ना आप लोगों को रिस्पॉन्स मिलेगा और आप लोगों को जॉब हो जाएगी। उम्मीद से बाकी जनाब इंशाल्लाह से उम्मीद करता हूँ आप लोगों वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लास्ट सब्सक्राइब करके बेल के आइकन लास्ट प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। मिलते हैं जनाब अपने नेक्स्ट वीडियो में, बेल के आइकन लास्ट प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।